हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग थी। बहुत ही शानदार लिस्टिंग गिन दिया है। 44.33% प्रीमियम के साथ है आईपीओ। 1299 पर लिस्ट हुआ है। हम लोगों ने रिव्यू वीडियो में क्लियरली डिस्कशन किया था कि अगर इसका सब्सक्रिप्शन 70-80 टाइम्स चला जाता है तो ये इजिली 40-50% की बेनिफिट दे सकता है। और बहुत ही सरप्राइज यहां पर लिस्टिंग गिन दिया है। 44.33% प्रीमियम के साथ 1299 पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद भले ही ये 8-9% ड्रॉडाउन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही तेजी से आई। इसकी बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। 1983 की इनक्रॉप्टेड कंपनी अपने फील्ड में एक अच्छा अनुभव रखता है। यह टर्नकी प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जहाँ पे फैसिलिटी के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन की सर्विस प्रदान करती है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है। इसके पास ग्रासिम इंडस्ट्री जैसे बड़ी कंपनीज का क्लाइंट है, ब्लू स्टार, बर्जर पेंट, टिमकिन इंडिया एंड एडवर्ब टेक्नोलॉजीज। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में इसका इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। तो इसकी क्लाइंट बेस भी बहुत ही मजबूत है। इसके पास दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो तमिलनाडु में स्थित है एंड उत्तराखंड में स्थित है। तो बिजनेस यूनिक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत ही बेहतरीन है। अपने प्रॉफिट को मात्र 3 साल के अंदर 5 गुना ग्रो किया है। रेवेन्यू में शानदार ग्रो, एसेट में भी लगातार ग्रो देखने के लिए मिल रहा है। यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। लोगों ने इस आईपीओ में जबरदस्त सब्सक्रिप्शन किया था। 93.79 गुना ए आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। लोगों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया। एम्प्लॉई इन्वेस्टर कैटेगरी में भी 19.46 गुना ए आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। बेहतरीन सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में गया। लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया एंड ए आईपीओ भी लोगों को अच्छा रिजल्ट दिया। 44.33% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ लिस्ट हुआ। अपने निवेशकों को लगभग 6384 रुपए की बेनिफिट दिया और यहाँ पर 8-9% का ड्रॉडाउन होते हुए दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तेजी से आई। अभी निवेशकों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या आउट हो जाना चाहिए? जो आउट हो गए उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो होल्ड करें उन्हें कहाँ पे आउट होना चाहिए? क्योंकि जो हमें प्रॉफिट मिल चुका है उसे पूरा का पूरा जीरो नहीं करना है, कुछ न कुछ घर बचा करके ले जाना है। अभी ये 1203 पर ट्रेड करी है। अगर यहाँ से ड्रॉडाउन होना स्टार्ट करती है तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं उन्हें 1000 का लेवल परफेक्ट है। 999 के लेवल पर स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कर सकते हैं। मे बी यहाँ पर अगेन यहाँ पर 70-80% की बेनिफिट मिलते हुए दिखेगा। ए आईपीओ बहुत ही जल्द हमारा पैसा दुगना करने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति इसकी ठीक ठाक दिख रही है, बिजनेस भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर ये 1000 के लेवल को होल्ड कर गया तो फिर बहुत ही जल्द यहाँ पर 70-80% का रिटर्न्स देते हुए दिखेगा। अगर 1000 का लेवल ब्रेक किया तो फिर इसके नीचे कोशिश करें प्रॉफिट बुकिंग करने का। यहाँ पर लगभग 10-11% प्रीमियम बचेंगे। यहाँ पर कट ऑफ प्राइस 900 रुपए है, तो 99 रुपए पर शेयर हमारे पास बेनिफिट बच जाएंगे। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।